फिल्म आर्मी ऑफ द डेड के डायरेक्टर जैक स्नाइडर हॉलीवुड के सलमान खान हैं। एक बार कमिटमेंट कर दी तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। जैसी फिल्म बनाना चाहते हैं वैसी बनाते हैं, और उनके फैंस भी सलमान खान के फैंस जैसे हैं, बिल्कुल भक्त मोड में। फिल्म चाहे जैसी भी हो उन्हें बहुत रास आता है भैया। जैसे भारतीय राजनीति में भक्तों को कुछ कह दो तो पैर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। अयला लगता है कुछ गलत कह दिया, गुस्ताखी माफ। तो मैं बात कर रहा था बॉलीवुड की अभिनेत्री हुमा कुरैशी की, क्योंकि वो भी इसमें है। हुमा का रोल इस फिल्म में जो है कि बहुत छोटा है, उससे ज़्यादा तो यार आपने बुद्धिवर्धक चूर्ण खाया है आमा मियाँ, इससे ज़्यादा तो मुंह में रख लेते हैं हम, ज़्यादा देर रखता है। लेकिन हुमा कुरैशी इसमें ज़्यादा देर तक नहीं दिखी है। नमस्कार, स्वागत अभिनंदन, मैं हूँ आपका दोस्त रंजीत कुमार, और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत। और आर्मी ऑफ द डेड की बात आज हम करेंगे। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई फिल्म आर्मी ऑफ द डेड खून खराबा शोरगुल लाशों से ढेर पड़ी हुई मूवी मिलती है, और जो डायरेक्टर महोदय ने उन्हें 300 मूवी बनाई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही उन्होंने किया था। जैक ने फिल्म लिखने, निर्देशित करने और शूट करने का भी काम किया। अरे जैक साहब कुछ तो काम छोड़ दीजिए, बहुत बेरोजगारी है यार। कहानी है वेगस नामक अमेरिकी शहर की, जिस पर पूरी तरह से जॉम्बिस का कब्जा हो गया है। चारों तरफ से इस शहर को सील कर दिया गया है, और सरकार कह रही है कि क्यों ना परमाणु बम गिराकर सारे जॉम्बिस को खत्म कर दिया जाए। वेगस के एक कैसीनो की तिजोरी में $200 मिलियन भी है। अब इसे चुराने का जिम्मा स्कॉट वार्ड को सौंपा जाता है। वो एक टीम बनाते हैं, टीम भी बन जाती है भैया। रुपयों को लूटने के लिए वहां जाया जाता है। उसी राह में हजारों जॉम्बीज हैं जिनका उसकी टीम से मुकाबला होता है। कहानी में कोई नई बात है नहीं, इस तरह की कहानी पर कई फिल्म बन चुकी हैं। लूट के लिए टीम बनाना और फिर किरदार कुछ खास विशेषता लिए हुए वाली बात करते हैं, और फिल्म में मारधाड़ होता है। आर्मी ऑफ द डेड की कहानी मूलतः तीन ट्रैक पर केंद्रित हैं, जॉम्बी से लड़ाई, दूसरी तिजोरी का लूटना, और तीसरा स्कॉट वार्ड तथा उनकी बेटी का वो इमोशनल सीन। लेकिन भैया आप देखेंगे तो इमोशनल नहीं होंगे उनके सीन में। इन तीनों ट्रैक्स में सबसे बढ़िया है जॉम्बी का साथ जो लड़ाई किया गया है वो ट्रैक। हजारों जॉम्बीज को मारा जाता है, तरबूज के फटने की आवाज़ की तरह पूरे सिर का, उनके सिर का चिथड़ा उड़ना, वो सारे दृश्य अपने आप में अलग हैं। एक व्यक्ति की एक जॉम्बी तो शेर भी है इसमें, वो बड़े क्रूर तरीके से लोगों को मार देता है। एक जॉम्बी को दरवाजों के बीच एकदम वो चिपक जाता है, वो सीन भी ज़बरदस्त है भैया। लेकिन जॉम्बीज की मूवी पसंद करने वालों को ये बहुत पसंद आएगी, और जिनका दिल थोड़ा कमज़ोर है उनके लिए फिल्म है नहीं। डायरेक्टर ने इस हिस्से पर यानी जो जॉम्बीज की लड़ाई है इस पर बहुत मेहनत किया है। जहाँ तक तिजोरी रखने और खोलने की बात है तो ये ट्रैक यार कुछ खास है नहीं, थोड़ा और एडवेंचरस होता तो और मज़ा आ जाता। कुछ भी नया नहीं है इस ट्रैक में। और अब कुछ दूसरी चीज़ों की बात कर लें तो ओरिजिनली कुछ है वो बस ये है कि जॉम्बी अब जानवर भी होने लगे हैं, जॉम्बी सोचने लगे हैं, और तो और दिमाग का दही तब हो जाता है जब पता चलता है कि जॉम्बी प्रेग्नेंट भी होते हैं। और जॉम्बी किंग वाला जो वो बंदा था जो राजा बन जाता है, वो राजा कैसे बन गया, और ये वायरस आया कैसे, ये सारी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं आती। अब टाइमलाइन का, अब इसमें तिजोरी वाले सीन में भी कुछ टाइमलाइन का मतलब समझ में नहीं आता है। और यार इससे अच्छा तो कोरोना भैया अपना म्यूटेंट डेवलप कर रहे हैं। जिस तरीके से इसमें जो करेक्टर है उसमें लोगों को दिखाया गया है उतना डेवलप नहीं किया गया है, कोरोना जीत गया यार। बारिश वाले जॉम्बीज भी इसमें नहीं दिखाए गए हैं, कहा गया है कि बारिश होगा तो ये सारे जॉम्बीज जो हैं जिंदा हो जाएंगे। लगता है इन्होंने वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का वो गाना नहीं सुना, बारिश की जाए। खैर जॉम्बीज आए नहीं आए, आगे की बात करते हैं। तो इसमें जो है स्कॉट वार्ड और उनकी बेटी का जो प्यार नफरत वाला रिश्ता दिखाया गया है वो भी आपको कुछ खास नहीं करेगा। बॉलीवुड फिल्मों की तरह आपके आंखों से आंसू की धारा नहीं बहेगी। इन दिनों चलन है कि सुपर हीरो की तरह दिखने और कारनामों वाले इंसान भी दुख दर्द से दूर होते हैं, तो शायद इसीलिए डायरेक्टर ने ऐसा कुछ इसमें डालने की कोशिश की होगी। अब फिल्म का अंत निराशाजनक है, क्यों ये तो इसके लिए आप खुद देख लें तो ज़्यादा पता चल जाएगा। बहरहाल अंत में एक धागा छोड़ दिया गया है कि जिससे आप पता कर लें कि अब आगे एक और सीरीज़ बनने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किया गया है मुझे लगता है एक और धांसू सा स्नाइडर भैया बनाने वाले हैं। निर्देशक जैक स्नाइडर की ये फिल्म कहानी में नयापन और कमियों के बावजूद एक बार और देखा जा सकता है। आप पूछेंगे क्यों, तो कई हैरतअंगेज दृश्य हैं, फाइटिंग सीन्स का आकर्षण है, फिल्म को भव्य पैमाने पर बनाया गया है, तहस नहस करते हुए शहर के सेट जबरदस्त हैं भाई, ये देखने को नहीं मिलेगा कहीं और। फिल्म को शानदार तरीके से फिल्माया गया है, अंत बेहतर होता और तिजोरी लूटने वाला जो सीक्वेंस है वो और अगर थोड़ा एडवेंचरस होता, रोमांचक से भरपूर होता तो फिल्म की ऊंचाई कहीं और चली जाती। फिल्म में लीड रोल निभाने वाले देव वांतिस्ता पहलवान रह चुके हैं, अब पहलवान रह चुके हैं तो एक्टिंग तो उतनी खास वो कर नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी करते नजर आते हैं। उनकी जो बेटी का रोल उन्होंने किया है वो भी अच्छा करते नजर आते हैं। तो कुल मिलाकर
आप एक बार ये फिल्म देख सकते हैं। हुमा कुरैशी की अगर बात करें तो हुमा कुरैशी जो हैं इसमें उनके करेक्टर का नाम गीता है और वो इस शहर में जाती हैं और फंस जाती हैं, लेकिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही हैं हुमा। आर्मी ऑफ द डेड को कम उम्मीद के साथ देखा जा सकता है क्योंकि ये बड़ी फिल्म है और मज़ा छोटे छोटे हिस्सों में भी आपको इसमें मिल सकता है। तो भैया ये था आर्मी ऑफ द डेड, रखिए अपना ख्याल और अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार, बाय बाय।